बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इब्रार चौधरी एक नए जायके, नए टेस्ट और नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मैं बनाऊंगा गुलाब जामुन बेकरी वाले, जो ब्लैक गुलाब जामुन होते हैं, किस तरह तैयार होते हैं, कैसे तैयार किया जाता है इनको, वो मैं आपके साथ मुकम्मल रेसिपी शेयर करूँगा। तो आज मैं 15 किलो गुलाब जामुन की जो रेसिपी है वो आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। तो 15 किलो गुलाब जामुन बनाने के लिए मेरे पास 2 किलोग्राम जो है खोया है और 2 किलोग्राम मैदा है और 1 किलोग्राम जो है सूजी है। इन तीनों अशिया को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। मिक्स करने का जो क्लिप है वो मुझसे डिलीट हो गया है, ये क्लिप मैं दोबारा बना रहा हूँ और इसलिए मिक्सिंग के दौरान जो क्लिप मैंने बनाया है वीडियो क्लिप, वो डिलीट हो गया है। इसको अब हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है, सूजी मैदे और खोए को अपने हाथ की मदद से। अब मैंने 2 से 3 चम्मच जो है दूध के लिए हैं, इसमें मैं आधा चम्मच बेकिंग पाउडर शामिल करूंगा दूध में। बेकिंग पाउडर जो है हमने आधा चम्मच दूध में शामिल करना है। चम्मच को अच्छी तरह दूध में हला देंगे ताकि पाउडर जो है दूध में के अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाए। दूध को इसके अंदर डाल देते हैं। अब मेरे पास है 6 अदद अंडे, जो कि मैं इसमें तोड़ के डाल दूंगा। 6 अदद अंडे इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेता हूँ। जितना अच्छे तरीके के साथ हमारा बैटर तैयार होगा उतने ही गुलाब जामुन हमारे जो हैं टेस्टी बनेंगे, अच्छे बनेंगे। बैटर को अच्छे से मिक्स करना है, अच्छे तरीके के साथ इसको तैयार करना है। अब मैंने घी लिया है 100 ग्राम, ये मैं इसमें शामिल कर देता हूँ। घी का वज़न 100 ग्राम है। अच्छी तरह इसमें मिक्स करूंगा दोबारा मैं। अब मैंने लिया है दूध। दूध को इसके अंदर मैं थोड़ा थोड़ा डालता जाऊंगा और इसको आटे की तरह गूंद लूंगा। जिस तरह आटा गूंदा जाता है गंदम का, गेहूं का, इसी तरह मैं इसको गूंद लूँगा। इसको थोड़ा सख्त गूंदना है, ज़्यादा नरम नहीं गूंदना हमने। तो दूध मेरे पास जो है ये आधा किलो है, ये मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालता जाऊँगा और इसको गूंद लूँगा। इसको मैंने अच्छी तरह गूंद लिया है, जिस तरह आटा गूंदा जाता है, और ये इस शेप में आ गया है। बहुत अच्छे तरीके के साथ मैंने इसको गूंदा है और डो हमारी जो है बिल्कुल तैयार हो गई है, आटा हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हम इसके छोटे छोटे बोल नुमा गुलाब जामुन जो हैं वो तैयार करते हैं। तो सबसे पहले अपने हाथ को थोड़ा सा घी लगा लेंगे, इस तरह से घी लगाएं अपने हाथों को और इस तरह से एक छोटी सी जो पेड़ी है आटे की वो लें और इस तरह अपने हाथ की मदद से पहले सख्त हाथों के साथ फिर ऐसा ऐसा नरम हाथ के साथ इनकी छोटी छोटी बॉल बना लेनी है हमने, इस तरह से। इस तरह से हमने सारी बॉल जो है वो तैयार कर लेनी है, पहले सख्त हाथ के साथ फिर नरम हाथ के साथ। कुछ जो हैं गुलाब जामुन हम गोल बनाएंगे, कुछ लंबे बनाएंगे, तो पहले गोल बना लेते हैं इस तरह से। गुलाब जामुन जो है हमने तैयार कर लिए हैं, कुछ को गोल बनाया है, कुछ को इस शेप में बनाया है, कुछ को इस तरह लंबे बना लिया है।
आइए अब हम सीरा तैयार करते हैं, चाशनी तैयार करते हैं। अब मैंने एक पतीला चूल्हे पे चढ़ा दिया है, इसके अंदर मैंने 3 किलो पानी शामिल किया है और इसमें मैं 3 किलो ही चीनी शामिल करूंगा। जितना हमारे पास पानी है उतनी ही इसमें चीनी शामिल की जाएगी। जो सीरा है हमारा वो हमने ना तो एक तार वाला तैयार करना है ना दो तार वाला, ये हमने नरम सीरा तैयार करना है, पतला सीरा तैयार करना है। इसको ज़्यादा हमने सख्त नहीं करना, चीनी को अच्छी तरह मेल्ट कर लेंगे। अब मैं इसमें 5 से 6 अदद छोटी इलायची क्रश करके शामिल कर दूंगा खुशबू के लिए। सीरे से बहुत प्यारी खुशबू आएगी छोटी इलायची की। चाशनी हमारी तैयार हो गई है, जिस तरह की चाशनी हमें चाहिए उस तरह की चाशनी हमारी तैयार हो गई है। सॉफ्ट सी पतली सी चाशनी, इसको हमने ज़्यादा सख्त नहीं करना। अब हम इसको चूल्हे से नीचे उतारते हैं और कवर करके इसको साइड पर रख देते हैं। अब दोबारा एक मैंने कढ़ाई ली है बड़े साइज़ की, जिसको मैंने चूल्हे पर चढ़ा दिया है और कढ़ाई के अंदर मैंने 2 लीटर घी शामिल कर दिया है। घी को सबसे पहले गरम करेंगे, तो घी को हमने ज़्यादा गरम नहीं करना, नॉर्मल गरम करना है ताकि जो घी जो है ये मेल्ट हो जाए। मेल्ट होने के बाद इसको थोड़ा सा गरम करेंगे, ज़्यादा गरम नहीं करना हमने। घी गरम हो गया है, अब हम इसमें जम्मू जो हैं हमने तैयार किए गोल वाले वो डालेंगे। चूल्हे की आग जो है वो हमने बिल्कुल स्लो रखनी है, जब ये फ्राई होने लग जाएंगे तो ये खुद ब खुद घी के ऊपर आ जाएंगे। इनका कलर जब ब्राउन हो जाए, ब्लैक शेप में आने लग जाए, तब तक हमने इनको फ्राई करना है। आप देख सकते हैं इनकी जो शेप है ऐसा ऐसा से ब्राउन हो रही है और फिर ऐसा ऐसा ब्लैक हो जाएगी। हमने इनको ज़्यादा ब्लैक नहीं करना, हल्का ब्लैक करना है। गुलाब जामुन की जो शेप है वो चेंज हो गई है, ये ब्लैक शेप में आ गए हैं, हल्की ब्लैक शेप में। हमने जितना इनको कलर करना था, ब्लैक करना था, उतना हमने कर लिया है। अब हम इनको निकाल लेते हैं। हम इनको एक तरफ से निकालेंगे और दूसरी तरफ जो हमने सीरा तैयार किया है उस सीरे में इसको डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसी तरह हम इसको सीरे के अंदर डाल देंगे। सारे गुलाब जामुन हमने इसी तरह फ्राई कर लेने हैं और करने के बाद उनको हमने सीरे में डाल देना है। इसी तरह से सारे गुलाब जामुन हम अपने इसी तरह से तैयार करेंगे। तो आइए बकिया गुलाब जामुन को भी इसी तरह तैयार कर लेते हैं। गुलाब जामुन जो है हमने सारे फ्राई करके उसको चाशनी के अंदर डाल दिया है, सारे गुलाब जामुनों को। अब हम इनको तकरीबन 2 से 2.5 घंटे के लिए चाशनी के अंदर ही भीगे हुए रहने देंगे, इसके बाद हम इनको चाशनी में से निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह हमारे गुलाब जामुन 2 घंटे इनको चाशनी में रखा है, बिल्कुल तैयार हो गए हैं। अब हम इनके ऊपर गिरी बुरादा डालेंगे। और हमारे गुलाब जामुन बिल्कुल तैयार हैं।
नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त और अपना रखिए बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।